Somaiya Polytechnic Chandrapur. Come out the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, Dove Center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility. Branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE. Committed to quality education, Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 866-84-57194 and 7588-07141. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। शिवसेना के दोनों गुटों के बीच लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है। इसी सिलसिले में शिंदे गुट में शामिल हो चुके शिवसेना के बागी 12 सांसदों में से राहुल शेवाले को सदन का नेता चुने जाने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले पर शिवसेना के उद्धव गुट के ने आपत्ति जताई है। सांसद विनायत राउत ने कहा कि बीती 18 जुलाई को हमने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंप कर इस मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले हमारा पक्ष भी सुने जाने का आग्रह किया था, लेकिन हमें अवसर नहीं दिया गया। इस फैसले के खिलाफ पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। राउत ने गुरुवार को कहा कि शिंदे गुट के 12 सांसद 19 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष से मिले और उसी दिन उनके गुट को मान्यता भी दे दी गई, लेकिन लोकसभा सचिवालय द्वारा इससे पहले ही सदन के नेता की सूची जारी कर दी गई जिसमें शिवाले का नाम दर्ज था। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा आधिकारिक रूप से मुझे लोकसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। 18 जुलाई को लिखे पत्र द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को इस मसले पर हमारी बात सुने जाने का आग्रह किया गया था, लेकिन अपनी बात रखने के प्राकृतिक न्याय से हमें वंचित रखा गया। लोकसभा सचिवालय द्वारा लिया गया फैसला गलत है। मामले में उसकी भूमिका संदेहास्पद नजर आ रही है, लिहाजा पार्टी इसे अदालत में चुनौती देगी, ऐसा शिवसेना की ओर से कहा गया है। जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपुर, एक जवाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुनः एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ति। 100% HSC रिजल्ट इन 2022, 27 सक्सेसफुल रिजल्ट इन JEE 2021, 49 सक्सेसफुल रिजल्ट इन MHT CET, 154 सक्सेसफुल रिजल्ट इन नीट अप टू 2021। विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा, 12वी IIT, JEE, नीट, MHT, CET, आजच आपली सीट निश्चित करा। संपर्क जनता करियर लॉन्चर, केयर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन चंद्रपूर, वेबसाईट www.jclchandrapur.com, कॉन्टॅक्ट नंबर 777-00-10-466। चंद्रपुर जिले में शराबबंदी होने के बाद भी रामनगर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की बिक्री और तस्करी चल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने शराब तस्करों के पास से भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब जब्त की है। उक्त शराब मुद्दू माल मोहरार के पास डाकघर में जमा थी। डाकघर द्वारा जब्ती की गई देसी विदेशी शराब को नष्ट करने में न्यायालय चंद्रपुर, राज्य आबकारी विभाग चंद्रपुर की अनुमति और सहायता से दाताला महाडा कॉलोनी में 74,52,300 रुपए के स्थानीय शराब के 775 पेटी और 19,19,700 रुपए की विदेशी शराब के 114 पेटी के कुल 96,72,000 रुपए चंद्रपुर न्यायालय और राज्य आबकारी विभाग के नियम और शर्तों का पालन करते हुए पंचायत के समक्ष नष्ट किया गया। इस कार्यवाही के लिए पुलिस निरीक्षक राजेश मुले, पोहपानी डिवते, पोहवा आत्राम, पोहवा गजानन डायफोडे उपस्थित थे। नागपुर के सुप्रसिद्ध अलजमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अलजमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अलजमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552271186, 9322899635। अपने परिवार को बचाने की मांग को लेकर स्थानीय कलेक्टर कार्यालय के सामने 70 वर्षीय दादा और 65 वर्षीय दादी आमरण अनशन पर बैठे हैं।
पलसगांव तालुका बल्लारपुर जिला चंद्रपुर के निवासी ने अपने घर कुल का एक कमरा एक परिचित को किराए पर दिया, लेकिन ये किराएदार उसके ही घर पर कब्जा करने जा रहा है। किराएदार का नाम रोहित वासाड़े है। निवासी ने उसके साथ काम किया था और उस पर भरोसा करते हुए उसे एक कमरा दिया था। वो उस बूढ़ी महिला को लगातार परेशान कर रहे हैं कि घर छोड़ो, इस कमरे को खाली करो। उसने इन बूढ़ों को भी पीटा है और ऐसा करते हुए उसने उनके घर से निकलकर उनका खाने का सामान फेंक दिया। मारुति गभाने ने भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। गभाने की मांग है कि रोहित वासाड़े ने कमरा छोड़कर चले गए, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जो आमरण अनशन जारी है उसे भी लगातार शुरू रखेंगे और यदि कोई जान जाती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। आबाजीचं नाव आहे मारुती लक्ष्मण गोहने, आजीचं नाव आहे ताराबाई मारुती गोहने। हे काही दिवसापूर्वी त्यांना नाही का राहत्या घरामध्ये एक मातीच्या घरामध्ये राहत होते, त्याच्यानंतर त्यांना एक इंदिरा आवास ग्रामीण योजनेचे घर आलेले होते। तर त्यांना 2008 किंवा अंदाजे 2009 आलं होतं, त्यांना 2010 किंवा 11 कंप्लीट झालं। त्यांना तेव्हापासून एक रूम दिली होती रोहित वासाडेला आणि त्याने तिथं हळूहळू किराणा दुकान चालू केलं। त्याच्यानंतर आमचा आबाजी म्हणे का 5 भाऊ खाली कर खाली कर खाली कर, तो आम्हाला आश्वासनच देत होता। त्याच्यानंतर हा काय 10 होऊन गेले, 10 ते 12 होऊन गेले, पण तो काही खाली करायचा नाव नाही घेतला। त्याच्यानंतर आम्ही जबरदस्तीनं भांडेकुंडीने ठेवायला गेलो होतो, त्याच्यानंतर ते आमच्या आबाजीला मारधर करून भांडेकुंडी फेकफाक केले। त्याच्यानंतर आम्ही पोलीस स्टेशन गाठलं, तिथंही आम्हाला काही भेटलं नाही। तिथून आम्ही तहसीलदाराकडे गेलं, तहसीलदाराकडूनही आम्हाला काही भेटलं नाही। त्याच्यानंतर आम्ही SDM मॅडमला एक निवेदन दिलं होतं, मॅडमकडे 2-4 दिवसामध्ये लेटर येऊन जाईल म्हणे, पत्र येऊन जाईल म्हणे घरी, आम्हाला पत्र काही मिळालं नाही। त्याच्यानंतर आम्ही गेलो होतो 8-10 SDM ऑफिसमध्ये, तर आम्हाला तोंडी सांगितलं गेलं का ते इथं तुमची केस चालणार नाही, तुम्ही कोर्टात दाद मागावी। त्याच्यानंतर आम्ही वापस आलो, कलेक्टर साहेबांना म्हणजे भेटलो होतो। कलेक्टर साहेबांना सर आम्हाला असं म्हटलं की तुम्ही कोर्टामध्ये जाऊन न्याय मागू शकता। त्याच्यानंतर आम्ही तिथून निराश होऊन निघलो, आम्ही आता कोर्टात जाण्याची आमची हे नाही, त्याच्यामुळे आम्ही आमरण उपोषणला बसलेलो आहोत। कोण बसले आमरणला उपोषण? आमचे आबाजी सौ मारुती लक्ष्मण गोहने, सौ ताराबाई मारुती गोहने हे आमरणला बसले। त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर येतच नाही द्या बाबा, नाही अन्यथा त्यांना काही कमी जास्त झाल्यास प्रशासन जबाबदार राहील। फ्रेंड्स चैरिटी ग्रुप के अध्यक्ष, आज सीनियर सिटीजन जो कि 75 और 68 ईयर्स के हैं, ताराबाई मारुती गोहने जो कि बल्लारशाह फड़से गांव के पास के हैं, उनको उन्होंने कल से उपोषण पे बैठे हैं। जिला अधिकारी से यही निवेदन है कि उनका जल्द से जल्द उनको न्याय दिलाए। वो बेचारे गुड फेथ में रोहित वासाड़े को है ना एक रूम दिए थे जो कि उनका मालिक था, वो उनके यहाँ पे काम करता था। आज उसके पास दो बिल्डिंग है, 30-40 एकड़ ज़मीन रहते हुए भी मुझे इतनी शर्म लगती है ऐसे घटिया आदमी पे। कलयुग बोले तो यहीं पे है, आज हिंदू जात को 2 गज ज़मीन नहीं मिलती है, उसके लिए आज अपन बिल्डिंग पे बिल्डिंग बांधते रहते हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं। तो मुझे प्रशासन और कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाए, नहीं तो हमारी फ्रेंड्स चैरिटी ग्रुप भी उनके साथ सहयोग करेंगी, उनका समर्थन देंगी और उपोषण पे बैठेंगे। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए एलिवेट इंस्टीट्यूट। JEE, NEET और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक चंद्रपुर।